हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ पीएससी सीजीपीएससी से जो है आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पर बम्पर वैकेंसी आई हुई है जो है महीने के पहले दिन, ठीक है, 1 फरवरी को ही आपका जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। बम्पर वैकेंसी इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा, किसी में एक पद किसी में दो पद की वैकेंसी आ रही थी, बट यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, डेट आप देख सकते हैं, अभी कुछ समय पहले इसको जारी किया गया है और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि वो 15 फरवरी 2022 और जो अंतिम तिथि है 16 मार्च 2022, यानी कि आप लोग इन पदों के लिए जो है 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से पद हैं और क्या इनकी योग्यताएं रहने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो है खनिज अधिकारी, इसके अलावा सहायक भौमिकीविद और तीसरे नंबर में है खनि निरीक्षक। ठीक है, तो इन पदों के लिए वैकेंसीज़ हैं और कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर के खनि अधिकारी में 8 पोस्ट हैं, सहायक जो है भौमिकीविद में 11 पोस्ट हैं और खनि निरीक्षक में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 35 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ अगर की जाए तो 54 पोस्ट के लिए, यानी कि 54 पदों के लिए ये जो है भर्तियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या योग्यताएँ हैं यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर पीएससी की जो मापदंड के हिसाब से सेम रहती हैं। तो पद का विवरण हम लोग देख लेते हैं और जो है पद नाम यहाँ पर खनि अधिकारी सहायक भौमिकीविद। ठीक है, वेतनमान 56,100 रुपये और इसकी जो आवश्यक शैक्षणिक अर्हता है भू विज्ञान जियोलॉजी में स्नातकोत्तर की उपाधि या प्रायोगिक भू विज्ञान में अनुप्रयुक्त भू विज्ञान अप्लाइड जियोलॉजी में एमटेक की उपाधि यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर खनि निरीक्षक के लिए आप देख सकते हैं वेतनमान 28,700 रुपये इस तरह 7 का रहेगा और यहाँ पर आवश्यक शैक्षणिक जो है और शारीरिक मापदंड की बात की जाए तो भू विज्ञान सहित जो है विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि होना चाहिए, डिप्लोमा यानी कि यहाँ पर कहा गया है। और शारीरिक मापदंड की बात की जाए तो पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए, सीना न्यूनतम 81 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति में और फुलाने पर 4 सेंटीमीटर का फुला उसमें होना चाहिए। महिलाओं के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी जो है इसकी योग्यता इस तरह से यहाँ पर रखी गई है। आयु की बात की जाए तो वही रहेगा, न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष, मतलब कि छत्तीसगढ़ के बाहर के जो लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों के लिए 40 वर्ष और जो कैटेगरी वाइज हैं जिनको छूट मिलता है उनको 45 वर्ष से अधिकतम जो है छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, अधिकतम जो है 45 वर्ष। इसके अलावा अगर परीक्षा के पैटर्न की बात की जाए तो परीक्षा का पैटर्न कुछ सेम उसी तरह से रहता है, 300 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आपका 30 अंकों का होगा, कुल मिलाकर के 330 अंकों की परीक्षा होगी। सिलेबस की बात अगर की जाए तो सिलेबस कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि यहाँ पर भारत का सामान्य ज्ञान है, ठीक है, सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़, भारत और छत्तीसगढ़ दोनों मिला करके यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा पार्ट टू की बात की जाए तो पार्ट टू में जो है आपका विभागीय जो खनि विभागीय जो भी जानकारियाँ वो आपसे जानकारियों से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से इसका सिलेबस है, ये जो है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगा या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से ये वैकेंसी थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।